जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ राजस्थान में जो हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी थी, जिसकी रिजल्ट आने के बाद में उसको रद्द कर दिया गया है, तो उस वैकेंसी को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल कर आई है जिनको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात बता दूँ, यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही साथ क्या इसमें भी सीईटी को लागू किया जाएगा और इसके क्या पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। देखो, इससे पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था, तो वो एग्ज़ाम हुआ था 1760 पदों के लिए। पहले वैकेंसियां थी 1760, ठीक है, लेकिन अब इन वैकेंसियों को संख्या को बढ़ाकर लगभग 3000 प्लस किया जाने का अनुमान है। वैकेंसियों की संख्या बढ़ेगी और 3000 के आसपास होने की पूरे पूरे चांस हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ बढ़ रही हैं। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो, नोटिफिकेशन आने का जो पूरा चांस है वो है नेक्स्ट मंथ तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि RSMS SSB की जो LDC की वैकेंसियाँ आएंगी उससे पहले इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। वो जो दूसरी LDC वाली वैकेंसी आ रही है RSMS SSB की, उसका जो पेपर होगा उससे पहले इस वाली जो ये हाईकोर्ट LDC वाला जो वैकेंसी है इसका पेपर हो जाएगा। और क्या इसमें CET को लागू किया जाएगा, देखो इसमें CET को लागू नहीं किया जाएगा। जो RSMS SSB वाली LDC की वैकेंसी होगी उसमें CET को लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें CET को लागू नहीं किया जाएगा। अगले महीने तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके 2-3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्या दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोबारा से फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने पहले से फॉर्म भर दिया है उन लोगों को दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिन कैंडिडेटों ने पहले फॉर्म भर दिया था उनकी कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगा उनको, ना दोबारा से फॉर्म भरना और ना ही दोबारा से फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो कैंडिडेट नए फॉर्म भरेंगे उनको फॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी और उनको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, लगभग 3000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। CDSO की तैयारी के लग जाओ जबरदस्त तरीके से, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो स्पेशली मिशन लेकर लगे हुए हैं इस वैकेंसी के लिए। तो उन सभी प्यारे साथियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये कि भाई यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ने वाली है, अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। और इसी तरीके से इस वैकेंसी के संबंध में आप हर एक जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।